गंदगी बहुत रहती है यहाँ, नालियाँ पड़ती नहीं, रोड पे कूड़ा दिन रात पड़ा रहता। जनता ने जो है फैसला करा है कि अब ये पार्षद ही बदल, काम के लिए पैसा चाहिए, बिजली के छापे पड़ेंगे तो उसको तोड़ कर आने के लिए परेशान है। मेरा किरदार अच्छा है, मैं किसी से कभी बदतमीजी नहीं करता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, अच्छे से सबसे मिलता हूँ, छोटा हो तो छोटे के तरीके, बड़ा हो तो। यूपी का जो कारवा है वो कानपुर के नगर निकाय चुनाव का कवरेज कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 110 में, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बैनर तले यहाँ पर वार्ड नंबर 110 से मोहम्मद नौशाद चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर आने पे देखा कि हमने काफ़ी यहाँ पे लोग हैं, भीड़ है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लोगों का यहाँ पर। इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये वार्ड की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं जिनको लेकर आप इस वक्त मैदान में हैं, क्या मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समस्याएं आपके वार्ड की? वार्ड की समस्याएं, ये पार्षदी का चुनाव है और गंदगी बहुत रहती है यहाँ, नालियाँ पड़ती नहीं, रोड पे कूड़ा दिन रात पड़ा रहता है। पार्षद यहाँ का कोई भी काम बताओ तो उसके लिए अल्टर चाहिए, उसको हर काम के लिए पैसा चाहिए, बिजली के छापे पड़ेंगे तो उसको तोड़ कर आने के लिए पैसा चाहिए। तो ये जनता ने जो है फैसला करा है कि अब ये पार्षद ही बदल देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने उनको पहले बदल दिया था और अब हमको जनता ने खड़ा किया है और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह चुनाव हम जीतेंगे। यहाँ के जो पार्षद थे वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, आपको क्या लगता है कौन से काम रह गए हैं? पार्षद जी अब तो उनको कह भी नहीं सकते, क्योंकि अब पार्षद वो पूर्व पार्षद थे, पार्षद उनकी वाइफ थी, वो भी पूर्व हो गई। और काम क्या किया है यहाँ, जो बता रहे हैं हमने विकास किया है, विकास के नाम पे बिजनेस किया गया है यहाँ। विकास इसको नहीं कहते हैं कि एक फुट पे लाइन डाल दो अंडरग्राउंड लाइन, एक फुट पे पड़ती है हाई टेंशन लाइन, एक फुट पे पड़ी हुई है, साढ़े पाँच फुट पे उसका मानक है, जो उसका तरीका है सही, साढ़े पाँच फुट पे लाइन पड़ने का है, एक फुट पे लाइन पड़ी हुई है यहाँ पे। ये कभी थोड़े दिन पहले बरसात में घोड़ा मरा यही अंडरग्राउंड लाइन से, जिसमें कि उन्होंने क्या क्या खाया वो मेरे पास बहुत प्रूफ है, इंशाल्लाह वो हम दिखाएंगे आपको। और भी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, तमाम लोग हैं, तो ऐसा मोहम्मद नौशाद के अंदर क्या है कि यहाँ की जनता मोहम्मद नौशाद को चुने? ये अल्लाह का एहसान है, मेरा किरदार अच्छा है, मैं किसी से कभी बदतमीजी नहीं करता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, अच्छे से सबसे मिलता हूँ, छोटा हो तो छोटे के तरीके, बड़ा हो तो बड़े के तरीके। सिर्फ एक मेरे भाई के मोहब्बत खिलाफ। चलिए मान लीजिए यहाँ की जनता आपको चुनती, प्यार मोहब्बत देती है और आप पार्षद बनकर आते हैं, तो पहले कौन से ऐसे काम होंगे प्रमुखता के तौर पे जो सबसे पहले आप करेंगे? इंशाअल्लाह रहमान, अगर अल्लाह ने हमको इस काबिल बनाया तो सबसे पहले यहाँ की सफाई का काम करेंगे। यहाँ एक हफ्ते में कहो दो बार झाड़ू लगे, कहो तीन बार लगे, इंशाअल्लाह हमारी हसरत है हफ्ते में दो बार झाड़ू, मतलब एक दिन में दो बार झाड़ू लगवाने की। चलिए एक और सवाल, आखिरी सवाल, कि ओवैसी की पार्टी भीम पार्टी से और भी प्रत्याशी चुनाव और भी वार्ड में लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार मजलिस कुछ ज़्यादा कमाल करने वाली है? इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह ओवैसी साहब की मोहब्बत तो झलक रही है पब्लिक के दिलों में, तो आपको पूरा भरोसा है कि इस बार सीटें निकल गए? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए आपका मुकाबला कौन से प्रत्याशी के साथ? किसी से मेरा मुकाबला नहीं है, मैं खुद एक मुकाबला हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो आपकी जीत का अंतर क्या होने वाला है बता सकते हैं आप? ये अल्लाह बता पाएगा, हम नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये है वार्ड नंबर 110 से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में आप अगर जनता देखें, इनकी पब्लिक देख लीजिए, किसी तरह के विधायकी चुनाव से कम नहीं है। हालांकि ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी ये तो आने वाला 13 मई को ही पता चलेगा। विजिलेंस सरफराज के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला यूपी, वार्ड नंबर 110 कानपुर।